तेरे को है ऐसा कुछ जैसा मेरे को है तेरे लिए फीलिंग्स वगैरह, समझ रहा है? अरे दोस्त वाला फीलिंग है भाई, दोस्ती तो है, दोस्ती अपनी बहुत अच्छी है। मैं दोस्त से ज़्यादा बोल रही हूँ मैं। फ्लावर्स भी लेके आई हूँ तो प्लीज एक्सेप्ट दिस। मैंने मना कर दिया, ठीक है? आपने मना नहीं किया। आपने मना नहीं किया, मैं भी यहीं बैठी हूँ। आपकी लड़के फ्रेंड्स थी, मैंने इतना फोकस नहीं करा, मैंने इतना नहीं करा, बस मेरे को जितना मुझे लगा कि हाँ सही है उतना मैंने मना कर दिया बात करने के लिए। पर ये थोड़ी कि अब आपकी फ्रेंड आएगी, प्रपोज करेगी और आप एक्सेप्ट करोगे। मेरा देखो खोपड़ी मत घुमा, ठीक है ना? तो हे मैं YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपको भाई फिर से आगे एक न्यू वीडियोज के साथ, और आज की जो वीडियोस होने वाला है गाइज, एक्चुअली ना हमारी एक फ्रेंड आने वाली है मिलने के लिए, और वो नॉर्मल फ्रेंड है, हमारी नॉर्मल बातचीत होती है। तो मैंने रितिका को भी बुलाया है क्योंकि भाई मैं अकेला कहीं नहीं जाता मिलने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पीछे लड़ाई इतना कर्रा हुआ था, यहाँ तक हमारी बात आ गई थी भाई कि हम ब्रेकअप, सब यहाँ पे इंस्टाग्राम वगैरह पर सब चलने लगा कि भाई अब खत्म है, सब कुछ खत्म है। तो वो चीज़ मैं करना नहीं चाहता, तो वो भी आ रही है और वो भी आ रही, तो देखते हैं वीडियोस में क्या होता है। मैंने कैमरा लगवा लिया है और जो भी चीज़ें हो, अगर मेरे को मौका मिला तो मैं पैंग कर दूंगा दोनों के ऊपर। तो वीडियो में बने रहो, मजा आएगा। A few moments later. हाँ इधर इधर इधर। हेलो, बस बढ़िया है। अरे यार पता है ना टाइम का थोड़ा निकलेगा ही नहीं भाई, अब दोस्तों के लिए तो टाइम निकलेगा ही ना। और सब बढ़िया? हाँ। और क्या चल रहा है लाइफ में? वही सेम चीज, तेरा तो काफी कुछ चल रहा है जहाँ तक मुझे पता चला है ना? हाँ, बड़े लोग पहले जैसे चीजें नहीं रही है अभी तो ठीक है, मतलब थोड़ा ये है ना कि पहले बेला बैठा था, अब क्या है कि काम है, इन चीजों को मतलब अलावा मैंने सुना है काफी कुछ चल रहा है। हमारा लव लाइफ हाँ या नहीं चल रहा है? हाँ वो तो है ही यार, चल रहा है ना। अच्छा क्या मतलब क्या बात होगी, मतलब कि बोला कि हमें एजेंटली मिलना है। हाँ तो भाई मिल नहीं सकते क्या? पहले हम मिलते नहीं थे। तो भाई पहले मैं फ्री रहता था, मुझे मतलब आज मैं एक काम छोड़ के आया हूँ। अच्छा मतलब अब टाइम नहीं निकाल सकता ना, हम लोग के लिए तो टाइम नहीं निकलेगा, बोल दे। अरे निकल मतलब तभी तो आया, निकाल के आया हूँ ना, तो है ना इम्पोर्टेंस है ना थोड़ी बहुत। हाँ तभी तो आया, हाँ तभी तो आया हूँ यार। अभी वो भी क्या बोलते हैं, रितिका भी आ रही है। हाँ अरे मतलब जो, हाँ तुम जो बोलो। अच्छा मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना? अरे मतलब गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड है? हाँ मुझे लगा तुम लोग मतलब दोस्त तो ऐसा कुछ। कहाँ से लग रहा था ये बताओ? वीडियोस नहीं देखते? देखती हूँ पर अब भाई क्या पता, अब मुझे नहीं पता था ना, सामने से तो बोल रहा है तो समझ आ रहा है, पर मतलब मैं कुछ तेरे से अर्जेंट बात करनी थी। तो बताओ ना, तभी तो मैं बुलाया हूँ। अभी हाँ। वो आती होगी मेट्रो पे, क्योंकि मेट्रो बोल रही थी, मेट्रो आ गई। हाँ तो उसकी बात बाद में, अभी थोड़ा अपनी बात कर लेते हैं, है ना? बताओ दोस्तों को भी टाइम देते हैं, रितिका को साइड रख के। हाँ बताओ। तो मैं बोल रही थी जैसे हम पहले मिलते थे, टाइम स्पेंड करते थे, अब हम नहीं करते हैं क्योंकि तेरा कहीं और ही माइंड चला गया, पर अपना पहले जो भी बॉन्ड था, है ना? तो बोलो मैं सुन रहा हूँ, बोलो तो पूरा बोलो। तो अपना जो भी बॉन्ड था, मुझे लगता है कि हम वापस वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं, समझ आए? समझा नहीं मैं, मतलब कि फ्रेंड्स से ज्यादा। यार देखो तुम्हें पता ही है सब कुछ यार, तो फिर ऐसे बोल रहे हो तुम। अरे तो मैं उस रितिका से पहले की तेरी दोस्त हूँ, है कि नहीं? वो तो बात ठीक है, बट ये अब यार देखो वो लड़की मैंने मतलब वो भी भाई मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, साथ दिया है। अच्छा मैंने तो कभी तेरे को सपोर्ट ही नहीं किया है। तो मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि तुमने सपोर्ट नहीं किया। या सालों से हम जो इतने साल तक हम घूमते थे साथ में, कभी इधर कभी उधर, तूने बोला चल तो मैं चल देती थी, वो सब क्या था? अरे तो यार उस टाइम की बात अलग थी, अभी कुछ अलग है। टाइम देखो वो टाइम अलग था, अभी टाइम कुछ और है यार। अच्छा वैसे तेरे को है ऐसा कुछ जैसा मेरे को है तेरे लिए फीलिंग्स वगैरह, समझ रहा है? अरे दोस्त वाला फीलिंग है भाई, दोस्ती तो है, दोस्ती अपनी बहुत अच्छी है। मैं दोस्त से ज़्यादा बोल रही हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो यार तुम? देख मैं ज़्यादा बात नहीं घुमाती, मैं तेरे को बताती हूँ क्लियरली क्या है। मैं इधर आई थी, मुझे तेरे से कुछ बोलना था। सच बताऊँ तो मैंने तेरे को कभी बताया नहीं, बट मेरे को हमेशा से थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स थी। और मैं तेरे को लाइक, अब लाइक क्या मतलब, लाइक से ज़्यादा ही कुछ मानती थी। अब तेरा मेरे को पता नहीं, बट तेरे लिए ही फ्लावर्स भी लेके आई हूँ, तो प्लीज एक्सेप्ट दिस। प्लीज एक्सेप्ट दिस। अरे यार क्या कर रहे हो भाई, मैं नीज पे हूँ तेरे लिए। अरे आप ऊपर बैठो, पहले ऊपर बैठो। नहीं नहीं ऊपर बैठो यार, ये सब ना है। एक्सेप्ट तो करेगा ना। ये सब यार मत करो, मत, ये सब मत करो। यही है प्रेम। बैठो और बताओ कैसे हो? बढ़िया। कितना हुआ नहीं, अभी 10 मिनट हुआ होगा हमको बात कर ही रहे थे। हम कुछ मेले लाए हो? अरे ये दिया है, इन्होंने दिया है। अच्छा आपने दिया? हाँ। कोई नहीं गिफ्ट रख लो प्यार से। तो वैसे एक्सेप्ट कर लिया ना? अरे यार आपको पता है ना यार, मेरी लाइफ में कोई और है। तो क्या हुआ? कोई और है क्या मतलब? मैंने अभी तक हुआ क्या? अब यार ये बोल रही कि मेरे को मतलब फीलिंग है मेरे, मतलब तेरे लिए मेरे लिए। मतलब आप इनको लाइक करते हो? हाँ मतलब मैंने बताया कि पहले हमारा जो भी बॉन्ड था, तुमने बताया नहीं इसको? हाँ बताया भाई, बताया। मैं उनसे मैंने बोला कि यार वो मेरे पहले पुरानी फ्रेंड है, चलते हैं मिल लेता हूँ। मैं कुछ और पर्पस से आया हूँ, तुम कुछ और कर रहे हो यार, ये चीज़ गलत है ना। अब मैं सोचा कि यार जाता हूँ मिलने के लिए, नहीं तो बोलेगी एटीट्यूड घमंड आ गया बरात में ऐसे, इसलिए मैं आया यार। इनको भी मैं यही बात बोला कि यार हमें चलना है मिलने, क्योंकि वैसे ही ये कहीं नहीं जाने देती मेरे को। मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था तुम लोग का इतना सीरियस चल रहा है। पता नहीं हम 2.5 साल से साथ में, बट हम उससे भी पहले से मैं इसको जानती हूँ। हाँ मतलब पहले इसकी बहुत सारी फ्रेंडें थी भाई। मेरे लाइफ में बहुत सारे लड़की आई गई आई, लेकिन ये अभी ये है ना यार कि मैं ऑलरेडी है। अच्छा मतलब हमारा जो था वो क्या था? फ्रेंड ही 3 साल तक चल रहा था, वो क्या था? तो मैं तो फ्रेंड ही मानता था। फ्रेंड मानता था? पक्का? मैं तो फ्रेंड ही मानता था ना। हाँ फ्रेंड थी मतलब, तो ऐसी कोई बात नहीं भाई, मेरी नॉर्मल बात होती थी इनसे। और अभी अब ये बोले कि मेरी फील मतलब तुम्हारे लिए फीलिंग है। नॉर्मल बात होती थी? एक बार इधर देख के बोलना। नॉर्मल बात होती थी? हाँ नॉर्मली बात होती थी भाई। अच्छा जो वो सब था लवी डवी, जो भी रात में वो बात होती थी हमारी, फ्रेंड्स करते हैं ऐसे इतना केयर वेयर दिखाना। मतलब कोई नहीं, तो मतलब बाद में इन्होंने आपको बोला नहीं कि मतलब मेरे से बात मत करो, मेरी गर्लफ्रेंड? हमारी बीच में बात नहीं हो। अभी मैं बात नहीं कर रहा था क्योंकि जब से मतलब अभी बहुत दिन हो गए, हम दोनों शायद बिजी हो गए थे या यही बिजी हो गया था। फिर गलती दोनों की है ना, कि मतलब आप भी बिजी हो गए और ये भी ना, दोनों ने बात कर ली। बट आप क्लियर कर लेनी चाहिए था ना फीलिंग, तब भी मेरे को थी ना। तो आप इतने सालों बाद आए, पहले ही क्लियर करना चाहिए था ना। ये मेरे लाइफ में पहले से है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बात कर रही हूँ, आप चुप रहोगे? मतलब आप इतने साल से बात कर रहे थे, फिर मतलब आप एकदम से बिजी हो गए, तब आपको ये याद नहीं आया कि इसके लिए फीलिंग है या नहीं है? अरे तब मेरे को लगा शायद इसको नहीं है इंटरेस्ट, बट अभी फिर अब इंटरेस्ट कहाँ से आया? जब मुझे नहीं पता, मेरे को अंदर से लगा, मेरे को लगा कि मेरे को बोल देना चाहिए, क्योंकि ये तो करेगा नहीं करेगा। वैसे आपकी अच्छी बात है, आपने बोल दिया, अच्छी बात है, बोल देना चाहिए। बस ये कि इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसने एक्सेप्ट किया? अभी एक्सेप्ट किया? अरे नहीं यार, मैं तुम्हें मेरे सामने नीचे बैठे तो मुझे अच्छा लग रहा था, मैं ऊपर बिठाया कि मैंने बोला कि ऊपर बैठ जाओ। अच्छा तो तूने एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं भाई मैं कैसे कर लूँ यार, तुम्हें सोचना सही है। अरे यार मैं क्या बोलूँ यार। चलो कोई नहीं, जो बात थी आपने प्रपोज किया, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट नहीं किया क्या? बोलो ना यार, वो कब से पूछ रही है कि एक्सेप्ट नहीं किया, आप बोलो ना। मैं बोल ही रहा हूँ नहीं किया ना। क्लियर भी नहीं कर रहे हो, क्लियर करो ना यार। भाई बीच में क्यों फंसा रखा है तुमने? अरे यार मैं सीधा बोलो ना कि मुझे नहीं पसंद, बस बात खत्म यार। मैं क्या कर रही हूं? मेरे लाइफ में ये है पहले से यार। अच्छा मैंने क्या बोला आपको बोलने के लिए? नहीं पसंद मतलब ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं है। ये सब चीजें नहीं, मुझे नहीं पसंद, जाओ यहाँ से, ये बोलो ठीक है। आप जा सकते हो यहाँ से। तुम्हारे भी तो वर्ड्स है, तुम उसके सुन के क्यों मेरे को बोल रहे हो? अरे तो मैं अपने दिल का ही बोल रहा हूँ, तब से मैं बोल रहा हूँ। यार तुम, मैं कर रहा हूँ ना बात। क्या कर रहे हो? मेरे को लगता है कि क्या मुझे गर्लफ्रेंड मैनिपुलेट कर रहे हो तुमको। मतलब क्या यार देख, क्या किसी को ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर तो मैंने डिसरिस्पेक्ट नहीं करी, उनसे पूछो। मैंने अभी तक वो लाइक कर रहे थे, उनमें मेरी गलती कोई नहीं है। मैं उनको समझा सकता हूं। मैंने भी बोला ना मैंने बदतमीजी तो नहीं करी। ये तो तुम्हारा यही चलता रहेगा आपस में, तो नहीं आप जा सकते हो। वो नहीं पसंद करते आपको। देखो ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं। सुनो सुनो सुनो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे लाइफ में ऑलरेडी है। अच्छा। और मैं इससे ही बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इससे ही करता रहूँगा। तो अभी कुछ नहीं हो सकता हमारा, तो ठीक है? मतलब बाद में हो सकता है। अरे यार मैं मना ही तो कर रहा हूँ यार। तू बोला अभी कुछ नहीं हो सकता, मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पागल नहीं हूँ, ठीक है? मुझे भी समझ में आपने बोल दिया क्लियर, मैं समझ गई हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, मत लड़ो दोनों आपस में। समझ आ गया मेरे को, मैं नहीं आ रही बीच में, ठीक है? ये फ्लावर व्लावर सब भाड़ में गए, ठीक है? तुम लोग बस लड़ना मत मेरी वजह से, ठीक है? क्या चल रहा है सुभाष जी? अरे यार मुझे खुद मुझे पता नहीं था यार कि एक सेकंड करती है यार। कोई नहीं, चलो लाइक करती है वो, ठीक है? लाइक तो बहुत लोग करते हैं, मुझे भी करते हैं, पर मैं एक्सेप्ट तो नहीं करती। लेके आ गई, पता नहीं चला मेरा दिमाग खराब हो गया। एक सेकंड, मुझे पता, अगर आपको मैंने बोला ना कि जल्दी आ, पहले वो पहले तेरे से पहले आ गई। मेरी गलती दे रहे हो क्या आप? भाई देख मैंने, मेरी नॉर्मल बात होती है। आपको सीधा मना करना था ना, आप क्या बहाने मार रहे थे? मैं कुछ और आपको सीधा, अगर मेरे को कोई लड़का प्रपोज करेगा तो मैं सीधा यही बोलूंगी ना कि नहीं मुझे नहीं पसंद, जाओ। मैं ये बोलूंगी कि अभी नहीं हो सकता, बाद में हो सकता है। मैं दोनों साइड का सोचता हूँ, उनको बुरा भी ना लगे, समझी? बुरा क्यों ना लगे? क्या लगती है आपकी वो जो बुरा ना लगे? यार फ्रेंड थी यार, वो थी। मेरा कोई फ्रेंड है अभी? आप मेरे जो चिल्ला के तो बात मत करो। क्यों ना बोलूँ? दिमाग खराब हो रहा है, तो मैं क्या करूं? भाई वो अब आके नीचे बैठ के प्रपोज कर रही तो मैं उनको समझाऊंगा ही ना, मारूंगा तो है नहीं, लड़का तो है नहीं। पागल हो क्या आप? मैंने समझाने की बात बोली तो क्या बोल रही है? मैंने बोला कि आपको सीधा मना करना था, तो मैंने मना कर दिया, ठीक है? आपने मना नहीं किया, मैं भी यहीं बैठी हूँ। आपकी लड़के फ्रेंड्स थे, मैंने इतना फोकस नहीं करा, बस मेरे को जितना मुझे लगा कि हाँ सही है उतना मैंने मना कर दिया बात करने के लिए। पर ये थोड़ी कि अब आपकी फ्रेंड आएगी, प्रपोज करेगी और आप एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट कहाँ कर लिया मैंने? दिमाग खराब मत कर। तो बोला तो कि अभी कुछ नहीं हो सकता। दिमाग खराब मत करो, चलो यहाँ से। अगर मैं किसी लड़के को बोल दूँ कि अभी कुछ नहीं हो सकता तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। अरे यार मेरा तभी मेरा जुमान भी लड़खड़ा रहा था। क्यों लड़खड़ा रहा था? भाई उसकी देखा ना मैंने हरकतें, तो मेरा दिमाग खराब हो रहा था। क्या हरकत देखी? वो सही है अपनी जगह, ठीक है? आप गलत हो। वो आपको लाइक करती थी, उसने प्रपोज किया, पर आपने सही डिसीजन नहीं लिया ना। गलती आपकी है सारी। अब वो बोल रही कि हमारी पहले बातें होती थी, फिर हम दोनों बिजी हो गए, तो आपको पहले उसे क्लियर करना चाहिए था ना, या मुझे बताना चाहिए था। भाई यार सब कुछ क्लियर है, देख मेरा दिमाग खराब मत कर, ठीक है ना? अब दिमाग खराब हो रहा है ना, अब मतलब आप ऐसी हरकतें करोगे और मैं कुछ बोलूँ? मैं कुछ और बोल रहा हूँ, तू कुछ और बोल रही है यार। वो कुछ और बोल रही थी, मतलब आपके सामने वो सब कुछ बोल रही है, आप कह रहे हो कि वो कुछ और बोल रही थी। हद होती है झूठ बोलने। अगर ऐसा होता ना तो मैं बुलाता नहीं, मैं यहाँ बोलने के लिए, ठीक है ना? मैं कहला मिल लेता। ये प्रूफ मत दो कि तुम्हें जो लग रहा है वो लगने दे, मुझे मतलब ना है, ठीक है ना? मैं आपको बिल्कुल मुझे पता है, सब आपको मतलब ही नहीं होगा। अब आ गई आपकी फ्रेंड तो आपको मेरे से मतलब होगा ही नहीं, ठीक है? मुझे पता है। कैसी बातें कर रही है यार तू? सक्की ये मेरा देखो खोपड़ी मत घुमा, ठीक है ना? समझ क्यों नहीं रही है यार? मैंने उसको हाँ बोल दिया, क्या एक्सेप्ट कर लिया? क्या ऐसे तू बोल रही है? जो भी आपने बोला गलत बोला। अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं सीधा बोलती कि मुझे नहीं पसंद, जाओ यहाँ से, ठीक है? मैं और कुछ नहीं बोलती कि समझो यार अभी नहीं हो सकता। ये मैं कैसे समझाऊं? मैं मुझे भी समझ आता है, मैं भी आपकी एज की हूँ। कैसे समझाऊं? उसको बुरा क्यों ना लगे? क्या है, क्या लगती है वो आपकी जो उसे बुरा ना लगे? मतलब मुझे सब कुछ, मैं बुरा मान जाऊँ, मैं सब कुछ हो जाऊँ, वो ना बुरा माने। आपसे बात ही नहीं करनी, मेरे को जो करना है वो करवा। ए यार, पगला गई है क्या तू?